अखिल भारतीय महिला संगठन के गौरवमय 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुरादाबाद शाखा द्वारा जनपद के 30 विद्यालयों में 310 छात्रों के बीच एमडीए स्थित मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया, तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संयोजिका प्रिया अग्रवाल ने बताया कि बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस दौरान रीता सिंह, बबीता गुप्ता, महिमा मिश्रा, बीना शर्मा, अंशु गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। परिस्थितियों का अंदाजा नहीं लगाते जब हम बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस ही ना ले पाएं। आज भी समय हमारा है, हम चाहे तो सुधर सकते हैं, लेकिन फिर शायद बहुत देर हो चुकी होगी, फिर हमारे पास सुधरने का मौका। आज एआईडब्ल्यूसी का साप्ताहिक का सप्ताह शुरू हुआ है, जिसमें एआईडब्ल्यूसी ने 90 ईयर्स पूरे किए, तो उसका आज हमने रंगारंग में हमने गुब्बारे आज उड़ाए थे ये, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि DIO साहब रहे थे। ये साप्ताहिक कार्यक्रम हर दिन चलेगा। आज इसकी शुरुआत निबंध प्रतियोगिता से हुई, जिसमें हमारे 15 स्कूलों के बच्चे, वो भी ऐसे स्कूलों के बच्चे जहाँ वो जाता भी नहीं किया था। DIWC का मकसद यही है कि उन बच्चों में आके प्रतिभा निकले, उन बच्चों को स्टेज मिले, यही सोच लेकर AIWC आगे बढ़ रहा है। और मैं AIWC को शुभकामनाएं देती हूँ कि उसका आने वाला भविष्य भी बहुत अच्छा हो और हर बच्चे को प्लेटफॉर्म। ये मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में आज शुरुआत है, कल बचपन प्ले स्कूल में। इस तरीके से हमने 8-10 स्कूल लिए हैं, 8-10 प्रतियोगिता रखी हैं, हर क्षेत्र में हर जगह ये प्रतियोगिताएँ।